अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे बच्चों के बारे में बात करूंगी, छोटे बच्चों की ऐसी कुछ दवाओं के बारे में जो कि कॉमनली हमारे पास होनी चाहिए, कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो और आपको एक आइडिया दूंगी कि कैसे आप एक होम्योपैथिक किट, फर्स्ट एड किट बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं घर पे, कि कोई भी प्रॉब्लम कॉमनली जो बच्चों में होती है वो अगर हो तो आप उस बच्चों को एडमिनिस्टर कर सकें वो दवाएं और सक्सेसफुली ट्रीट कर सकें अपने बच्चों को। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में होती है, कॉमनली हर घर में होती है, तो जो कि खांसी, जुकाम और फीवर होता है। तो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, तो ये कॉमन फ्लू कहते हैं इसको। तो ये जो सिम्टम्स है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है बच्चों में और बहुत जल्दी जल्दी बच्चे इससे अफेक्ट होते रहते हैं। तो इसके लिए मैं एक कॉम्बिनेशन देती हूँ जो कि दो दवाओं को मिक्स करके बनाते हैं। तो आप फार्मेसिस्ट के यहाँ जाके ये बता दें कि ये दोनों दवा का मिक्सचर मिक्स करके वो एक बॉटल में बना के दे दें आपको लिक्विड फॉर्म में। तो आर्सेनिक एल्बम 30 और जेलसेमियम 30, ये दो दवाएँ हैं जो हम कॉमन फ्लू के लिए यूज़ करते हैं कॉमनली। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, मिक्स करके एक बॉटल में आपको रख लेना है। और जब भी बच्चे इस तरह के सिम्टम्स से सफ़र करते हैं तो आप, छोटा बच्चा इन्फेंट है यानी वन ईयर तक, आप उसको वन ड्रॉप दें टंग पे, और अगर नहीं वो ऐसा बेयर कर पा रहा है तो आप 1 टीस्पून वाटर में उसको वन ड्रॉप डाल के बच्चे को दे दें दिन में 3 बार। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 1 साल से ऊपर है, तो आप उसको 2-3 ड्रॉप्स दे सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है फ्लू लाइक सिम्टम्स में, तो आप इसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और अगर सिर्फ रनिंग नोज़ है, जो कि बच्चों में ये भी बहुत कॉमन है कि नाक बिल्कुल पानी की तरह जा रही है और आँखों से भी पानी आता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गए हैं, तो इसमें एक विल्मर शॉबे कंपनी की रीनिकाइंड टैबलेट्स के नाम से है, बहुत अच्छी इसका मेडिसिन है, इसका रिस्पांस बहुत ही बेस्ट आता है। तो इसको आपको 1 टैबलेट देना है बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम, और बड़ा बच्चा है तो 2 टैबलेट। और अगर वो ऐसे टंग से नहीं तो आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, 1 टीस्पून वाटर में डिसॉल्व करके बच्चे को दे दें, तो बहुत जल्दी इसका असर होता है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो बच्चे की जो नाक बार बार पानी की तरह बहती है वो चीज़ सही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये दोनों दवाएँ मैंने आपको बताई। नेक्स्ट आते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि कोली की पेन जो होता है, पेन पेट में बच्चों को दर्द, पेट दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में देखा गया है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, गैशियस डिस्टेंशन हो जाता है पेट में और बिल्कुल पेट भी डिस्टर्ब रहता है, तो ख़ासकर डेंटिशन के दौरान होता है या ऐसे भी होता रहता है बच्चों को। तो ये इसके लिए आप एलेंस का आता है ग्राइप मिक्सचर, तो ये आप दें बच्चों को, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। इसको आपको देना है 1/2 टीस्पून दिन में 3 बार इन्फेंट्स को, और थोड़ा 1 साल के ऊपर बच्चा है तो आप 1 टीस्पून दे सकते हैं दिन में 3 बार। तो बच्चे जब भी इस तरह के पीरियड से जैसे डेंटिशन के दौरान गुजर रहे हैं तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स। नेक्स्ट मेडिसिन आती है विल्मर शॉबे की है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21। तो ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21 स्पेशली किड्स के लिए है, जब ड्यूरिंग डेंटिशन, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तब आप ये बच्चों को दीजिए, तो बहुत आसानी होगी दांत निकलने में। और दांत निकलते वक्त जब बच्चों को पेट में दर्द और पेट डिस्टर्बेंस हो जाता है, मोशंस भी लूज होते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं, और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल और क्राइंग चाइल्ड बन जाता है, तो और इंडाइजेशन रहेगा बच्चों को, वॉमिटिंग होती रहेगी, तो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं बच्चे में तो आप ये बायो कॉम्बिनेशन 21 दीजिए बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे एपेटाइट भी इंक्रीज़ होगा बच्चे का, अच्छा होगा, और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा, और एब्जॉर्प्शन इसमें इंक्रीज़ होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में वो इंक्रीज़ होगा, जो कि कम हो जाता है ड्यूरिंग डेंटिशन। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आप दीजिए। तो ये आपको 1-2 टैबलेट देना है दिन में 3 बार, छोटा बच्चा है तो 1 टैबलेट, थोड़ा बड़ा है तो 2 टैबलेट, बच्चा टैबलेट नहीं खा सकता है तो 1 टीस्पून वाटर में डिसॉल्व करके दे दें। तो ये आप, ये भी आप अवेलेबिलिटी में अपने रख सकते हैं अपने किट में। नेक्स्ट आता है SBL का कालमेक पीडियाट्रिक ड्रॉप। तो ये SBL का है, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव कालमेक ड्रॉप, और पीडियाट्रिक, खास बच्चों का, बड़ों का भी आता है और ये बच्चों का है।
तो इससे क्या होता है, एपेटाइट भी इंक्रीज होगा और लीवर के फंक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं अक्सर बच्चों में, लूज मोशंस वगैरह, इंडाइजेशन है, इस तरह की कंप्लेंट्स होती रहती है बच्चों में, तो ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी, बच्चे का पेट सही रहने लगेगा। तो ये कालमेघ ड्रॉप है, ये आपको देना है 5 to 10 ड्रॉप्स 2 teaspoon वाटर में देना है, 2 चम्मच थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें 5 to 10 ड्रॉप्स डाल के बच्चों को बच्चे को 3 बार दीजिए, सुबह दोपहर शाम। तो इससे जो पेट लीवर जो फंक्शन डिस्टर्ब है, परेशानियाँ बच्चों को है, तकलीफ़ पेट की, उसमें बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट कंप्लेंट आती है बच्चों में चोट लगने की, बच्चे बहुत ज़्यादा गिरते रहते हैं, हर वक्त उनको चोट लगेगी, कभी कहीं कभी कुछ हो गया, कभी कुछ होता रहता है, तो इसके लिए आप ये दवा ज़रूर रखें अपने किट में अवेलेबल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्निका 30 बहुत कॉमनली यूज़ होती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर बच्चे को चोट लगी है और ब्रूज चोट है, मतलब कि ब्रूज है मतलब कि ऊपर से कुछ ज़ख़म नहीं है, अंदरूनी चोट है, नील पड़ी हुई है या दर्द है हड्डियों में, कहीं चोट लगी है, तो आप ये दवा दें, आर्निका 30 देना है, 4 to 6 पिल्स देना है आपको, दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। तो आर्निका जो है, जैसे क्लिनिक पे भी और मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट इस तरह से आते हैं कि मतलब आर्निका हमको दे दीजिए, जैसा बच्चे को चोट लग गई है, तो ठीक है आर्निका, लेकिन जब भी देना है जब अंदरूनी चोट है, अगर आपके बच्चे को कट लगा है या ब्लड आया है तो आपको आर्निका नहीं देनी है, तो दूसरी मेडिसिन देनी पड़ती है। तो हर चीज़ के लिए आर्निका नहीं देनी है, कि कुछ भी हुआ, गिर गए, कट गया, खून निकला है, तो आर्निका नहीं देना है, आर्निका तभी देना है जब आपकी चोट अंदरूनी चोट है, और अगर आपने आर्निका दे दिया कटे हुए पे, मतलब ब्लीडिंग हो रही है और आपने आर्निका दे दिया बच्चे को, तो वो ब्लीडिंग बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ब्लड डाइल्यूट करती है आर्निका, तो इसलिए वजह से ये मना की जाती है कट्स पे देने के लिए, ये ख़ास चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आर्निका कभी भी कटे हुए ज़ख़म पे नहीं देनी है। और कटा, अगर ज़ख़म आपका कटा है, कहीं इंजरी है, स्किन रप्चर हो गई है, बहुत ज़्यादा छिल गया है, तब आप उसको कैलेंड्यूला देना है, कैलेंड्यूला 30 देना है, वो भी 4 to 6 पिल्स दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। और ज़ख़म पे लगाने के लिए भी आता है कैलेंड्यूला ऑइंटमेंट, उसको भी 2 से 3 बार दिन में आप लगा सकते हैं बच्चे को। तो ये है इसकी दवा कटा हुआ, और बिल्कुल आर्निका उसके लिए नहीं यूज़ करना है, आर्निका जब यूज़ करना है जब ज़ख़म अंदरूनी है, तो इस पॉइंट को ख़ास याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट कंप्लेंट जो बहुत कॉमन है वो वॉर्म्स की है, यानी कि पेट में कीड़े बच्चों को हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके सिम्टम्स ये होंगे कि बच्चा बहुत इरिटेबल है, पेट में बहुत दर्द रहेगा, फिर ड्रिबलिंग सलाइवा रहेगा उसको मुँह से, और दूसरा मीठा क्रेविंग फॉर स्वीट्स रहेगा, मीठा दिल चाहेगा खाने का, ये सारे उसके सिम्टम्स रहेंगे, तो हो सकता है कि बच्चे को पेट में कीड़े हैं, तो कीड़े अगर पेट में है, वॉर्म्स है पेट में, तो उसके लिए ये दवा आपको देनी है, जो कि कॉम्बिनेशन में मैं देती हूँ, सीना 30 एंड ट्यूक्रम MV 30, ये 2 दवा होती है, सीना 30 एंड ट्यूक्रम 30, ये दोनों कॉम्बिनेशन में बना लेना है आपको एक छोटे फाइल में, इक्वल क्वांटिटी में लेके 1 ड्रॉप दीजिए बच्चे को 3 बार, अगर इन्फेंट है, और बड़ा है तो फिर 2-3 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। तो जो बच्चे का ये वॉर्म्स वाली शिकायत है वो धीरे 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 वो कम हो गए, वो ख़त्म हो जाएगा वॉर्म्स, लेकिन आपको ये कंटिन्यू रखना है थोड़े दिन तक, ये नहीं कि 1 हफ्ता खा के बंद कर दिया, कम से कम 1 महीना रखिए ताकि पूरी तरह से वो क्योर हो सके बच्चा। तो ये वॉर्म्स के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। नेक्स्ट एक कॉमन कंप्लेंट और है जो कि बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, कॉमन है बेड वेटिंग की, कि बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन तब भी बिस्तर पे बाथरूम हो जा रहा है, तो उसके लिए यूरिन पास हो जा रहा है बेड पे, तो फिर इसके लिए आपको बहुत अच्छी एक मेडिसिन विल्मा शोबे वालों की है, मामा नेचुरा की एनुकाइंड, तो एनुकाइंड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका रिस्पांस है, उसको 3 ग्लोब्यूल्स आपको देना है दिन में 3 बार, ग्लोब्यूल फॉर्म में है, 3 देना है दिन में 3 बार, तो इसको 2 महीने तक कंटिन्यू करिएगा बच्चे में, भले ही आपको लगे कि ठीक हो गया लेकिन तब भी आप 2 महीने तक इसको कंटिन्यू करिए, तो वो बेड वेटिंग की जो कंप्लेन है वो पूरी तरह से वो ठीक हो जाएगी। तो ये सारे जो है वो मेन दवाएँ मैंने आपको बताई हैं, और एक दवा रह गई है, वो है डॉक्टर बटरास की आती है इम्यूनिटी बूस्टर।
इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आती है मेडिसिन, एक डॉक्टर बटरास की होम्यो इम्यूनिटी मेडिसिन के नाम से। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है आपकी बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए। कोई भी परेशानी नहीं बच्चे को है तो भी आप इसको कुछ साल तक, एक दो साल तक आप इसको कंटिन्यूअली बच्चे को दे सकते हैं। इससे मतलब ये है कि बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होगी, और अगर बीमार है बच्चा तो इलनेस में उसको रिकवरी में मतलब पेस मिलेगा, वो जल्दी रिकवर होगा बच्चा। और बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह की इलनेस में बहुत अच्छा ये काम करती है, तो इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसको आपको दे दीजिएगा बच्चों को, 10 ड्रॉप्स दे सकते हैं बच्चों में, थोड़े से पानी में 2 टीस्पून या 1/2 कप वाटर में आप दे दीजिए बच्चों को 10 ड्रॉप्स डाल के। और अगर एडल्ट को भी दी जाती है तो एडल्ट में आपको 20 ड्रॉप्स देना है, 15 to 20 ड्रॉप्स। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव और बहुत अच्छी मेडिसिन है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दवाएं हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी कोई कंप्लेन ऐसी होगी जो जिसको मतलब मैं नहीं कर पाई हूँ डिस्कस, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये सारी दवाएं मैंने इसलिए बताई कि आप इसको एक किट में बना के, फर्स्ट एड किट होम्योपैथिक की बना के रख लें अपने घर पर। अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है तो जब भी कोई तकलीफ़ हो तो आप फ़ौरन उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और कुछ कंसल्ट करना रहा तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट कि ये है कि हम जैसे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना और दौड़ के बच्चे को लेके बहुत मुश्किल होता है, और ये भी है कि एंटीबायोटिक्स देना भी बच्चों को सही नहीं है छोटे छोटे बच्चों में, कि ज़रा सा ज़ुकाम हुआ बस आपने उसको एंटीबायोटिक दे दिया, फीवर आ रहा है तो एंटीबायोटिक चला दिया। तो एंटीबायोटिक्स से इम्यूनिटी बच्चे की स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। क्या होता है कि इम्यूनिटी को लड़ने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर फीवर हुआ है बच्चे की इम्यूनिटी कोशिश करती है, जो जब तक एंटीबायोटिक आके वो अपना काम कर लेती है तो इम्यूनिटी मजबूत कैसे होगी बच्चे की। तो इसलिए आप अवॉइड करें, मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है ज़्यादा बीमार है बच्चा, दवाओं का असर नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप लेके उसको जाएं। वरना आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप होम्योपैथी ट्राई करें, एंटीबायोटिक्स अवॉइड करें बच्चों में। तो यही मेरा आज का मैसेज है कि बच्चों का ख्याल रखें और केयर करें, और कोशिश करें कि होम्योपैथी से उसको ट्रीट करें, क्योंकि बहुत सेफ़ होती है बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और एक आइडिया मिल गया होगा आपको कि किस तरह से आप एक किट बना के रख सकते हैं घर पर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी, अल्लाह हाफिज़।